पद्मवन राजहंस श्री श्री अच्युतानंद महापुरुष तांकर अपूर्व दिग्दर्शन ही आम मानक सुगति नेमाळर पद्मवन तांकर जोगपीठ साधन पीठ सेठी अनेक पोथी सुजंत्रित करी सुग्रंथित करी जगत जन कल्याण पाई से वितरित कर दी सहस्र सहस्र लक्ष लक्ष पोथी एते सहज नुह गोटे जन्म रे लेखनी पोथी धरी एते गुड़िए रचना करिवा एहा केवल आउ केवल भगवान पक्ष रे ही संभव से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ तेणु से स्वयं निजस्व लीला को व्यक्त करी इत्ते गुड़िए पोथी रचना कर दी किछि पोथी मिलिछि किछि पोथी एबे मध्य गुप्त होइकिरि अछि तारी भितरे आमर क्षुद्र बुद्धि रे आमे ताकु बुझिबा पई चेष्टा करिछे कारण सेगुडी कहउछि विभु प्रसाद से प्रसाद को टिके 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 पाइले आम जीवन पवित्र हब तेणु मालिका को जीवन रे गंठी करिथाव हां अच्युतानंद महापुरुष पद्मवन राजहंस बड़ सुंदर शब्द रे कहउछन्ति 84 जंत्र रे जन्म नाही ता मरण नाही इच्छा सुख रे खेलु थाए मही इच्छा सुख रे खेलु थाए मही इच्छा सुख रे खेलु थाए मही हेमंत पुरुष अटई सेही च्युत नाही जार अच्युत कही च्युत नाही जार अच्युत कही च्युत नाही जार अच्युत कही जार रस नुह इति च्युत नामटि तार बोलाई अच्युत नामटि तार बोलाई अच्युत नामटि तार बोलाई अच्युत बोलिए पद्मवन राजहंस अच्युत महापुरुष की महापुरुष श्री श्री अच्युत कहिले मोर च्युत नाही प्रत्येक दिन प्रति मुहूर्त रे नेमाळर अपूर्व साधन भूमि रे अच्युतानंद महापुरुष जीव जगत उपरे कृपा वितरण करुचंती रसच्युत हेइ नहंती से अपूर्व रस को ग्रहण करिबा पाई नाम रस कृष्ण रस गुरु रस भगवत रस भविष्यर दिव्य साधनर रस जिए जो रस खोजिव जो भाव रे खोजिव सब भाव को दवा पाई से विराजमान होई निजर कीर्ति को निजर लीला को परिप्रकाश करुछंती सुंदर नेमाळर अपूर्व बट मूल रे दर्शन करिवा को भक्त माने मन मध्य रे आग्रह रखंती दर्शन करिवा को जाई से धूलीमाटी टे गढ़ी जामती अच्युतानंद महापुरुष कहते जन्म ना मोर मरण ना ये मोर सिद्ध भूई तेणु ये सिद्ध भूईर कृपा मिलु आम समस्ते महाप्रभुंकर चरणारविंद रे कोटि कोटि प्रणाम जनाई कृपा भिक्षा करवा आ प्रार्थना करवा आमको मालिका टिके टिके बुझे दियो जिते जिते अध्याय आम आसी आसिक जीवर कांडी कांडी रचना विभिन्न छंदरे विविध स्वररे विविध राग को आश्रय करी ये रचना कारण तत्कालिक समाज रे संगीत चलुथिला संगीत रे ग्राम दंड रे गाई गाई विविध साधु संत महात्मा माने जाउथिले बुझेई बुझेई दउथिले तेणु संगीत को आश्रय करी सुंदर सांगीतिक पद छांदरे निजर मालिका गुड़ी को रचना करी चंदी पद्मवन राजहंस।